CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है शिक्षकों के लिए विशेष कार्यक्रम शिक्षक जो गढ़े बचपन को। साथियों, शिक्षकों के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम शिक्षक प्रशिक्षण के परंपरागत ध्वनि कार्यक्रमों की शैली से थोड़ा अलग है। यह कार्यक्रम विश्व के महान आविष्कारक और वैज्ञानिक थॉमस एडिसन के जीवन और उपलब्धियों के इर्द गिर्द बुना गया है और इसमें उनके व्यक्तित्व की पड़ताल करने का प्रयास किया गया है कि उनकी उपलब्धियों के पीछे कार्यरत शिक्षण विधियां क्या क्या थीं। तो आइए जानते हैं उनके जीवन में दो अलग अलग शिक्षकों की भूमिकाएं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। इन दोनों भूमिकाओं में से चुनाव हमें करना है। महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान नगर में 11 फरवरी 1847 को हुआ था। वे अपनी माता नैन्सी एलियट और पिता सैमुअल एडिसन की 7वीं संतान थे। बचपन से ही वो बहुत ही जिज्ञासु थे। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वो शिक्षकों से अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना कठिन होता था। शिक्षक और सहपाठी उन्हें शरारती और मूर्ख समझते थे। साथियों, बच्चा जिज्ञासाओं का पिटारा होता है, वह तो प्रश्न पूछेगा ही, तब तक जब तक हम उसे पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन यदि उसे हतोत्साहित किया तो शायद फिर वह कभी नहीं पूछेगा। एक दिन की बात है, शिक्षक ने बालक एडिसन को बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा कर कहा, अपनी मां को यह चिट्ठी दे देना। भोले भाले बच्चे ने वो चिट्ठी ली और घर पहुंचकर अपनी मां को दे दी। मां, ये चिट्ठी। मां ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो चिट्ठी अलमारी में रख दी। दूसरे दिन से एडिसन फिर कभी स्कूल नहीं गए। वो घर पर ही पढ़ाई करने लगे। एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? क्या अध्यापक ने चिट्ठी में कुछ लिखा है? बेटा एडिसन, उन्होंने ये कहा कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है। अच्छा, इसलिए वो हमारे विद्यालय के लायक नहीं है। क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो ना। अच्छा, उनको लगता है कि उनके विद्यालय में तुम्हारी प्रतिभा वैसी नहीं निखर पाएगी जैसी कि आशा की जाती है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छे। तो शिक्षक मित्रों, ये घटनाक्रम एक बेहद गंभीर प्रश्न पैदा करता है। जरा सोचिए कि यदि आप बालक थॉमस एडिसन के शिक्षक होते तो किसी बच्चे का मूल्यांकन कैसे करते और उसकी सूचना बच्चे के अभिभावकों को किस प्रकार देते। साथियों, आप भी शिक्षक हैं। आपने सुना कि एडिसन की मां, जो स्वयं शिक्षिका थीं, उन्होंने किस प्रकार अपने बच्चे के किसी भी प्रश्न को नजरअंदाज नहीं किया। तो फिर क्यों ना हम भी यथासंभव बिना खीजे बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। उनकी माँ जानती थी कि ये बच्चा मानसिक रूप से कमजोर नहीं है। उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाया। वो एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर यथासंभव देने की कोशिश करती और प्रारंभ में उन्हें बुनियादी साक्षरता के साथ साथ अंक गणित पढ़ाया। उन्हें विशेषकर विज्ञान में बहुत रुचि थी। एक बार की बात है, वो रेल के डिब्बे में ही कुछ रासायनिक प्रयोग कर रहे थे कि फास्फोरस के गिर जाने के कारण वहां आग लग गई, भगदड़ मच गई।
इतने में रेल अधीक्षक वहां भागा भागा आया और जब उसने सारा माजरा देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने एडिसन को एक जोरदार थप्पड़ मारा जिसके कारण वे हमेशा के लिए आंशिक रूप से बहरे हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ना व प्रयोग करना जारी रखा। तो सुना आपने दोस्तों, रेल के डब्बे में ही प्रयोगशाला जिसका अंतिम परिणाम दुर्घटना थी। जी हाँ, बच्चा कौतुक और रोमांच से भरा होता है, वह जरूर नए नए प्रयास करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में हमें उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, पीटना समाधान नहीं है। तो आइए अब सुनते हैं उनकी शिक्षक माँ ने किस तरह इन परिस्थितियों का सामना किया। उनकी माँ उन्हें पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें देती और प्रोत्साहित करती कि वे जितना अधिक हो सकता है अवश्य पढ़ें। थॉमस एडिसन के मन में पढ़ने की अदम्य इच्छा उनकी माँ के कारण ही उत्पन्न हुई। एक बार उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था, मैंने यथासंभव लगभग सब कुछ पढ़ा है जो कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। मुझे पुस्तकों से अगाध प्रेम है। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, एडिसन की मां स्वयं शिक्षिका थी, लेकिन अक्सर अभिभावक शिक्षक नहीं होते, है ना? तो कितना अच्छा हो यदि बच्चे के जीवन में एडिसन की मां की तरह ही हमारी भी सकारात्मक भूमिका हो जाए। थॉमस एडिसन ने एक बार अपनी मां के बारे में कहा था, मेरी मां ने ही मेरा निर्माण किया। वे बहुत सच्ची थी और मुझ पर विश्वास करती थी। उन्होंने ही मुझे बताया कि मुझे किसी के लिए जीना है। कोई ऐसा है इस दुनिया में जिसे मुझे निराश नहीं करना है। साथियों, हम सब जानते हैं कि थॉमस एडिसन को मुख्य रूप से बिजली के बल्ब के आविष्कार के लिए जाना जाता है। वैसे उन्होंने 1300 के लगभग आविष्कार किए और उनका पेटेंट लिया। बिजली के बल्ब के आविष्कार की कहानी अत्यंत रोचक है। इसका आविष्कार करने के लिए थॉमस एडिसन को सैकड़ों बार असफलता का सामना करना पड़ा। शुरू में कई बल्ब चले लेकिन कुछ ही सेकंड्स या मिनट में टूट गए। लेकिन एडिसन ने जैसे हार मानना सीखा ही नहीं था। एक बार की बात है, उनके सम्मान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बहुत से पत्रकार जमा थे। एक पत्रकार ने पूछा, मिस्टर एडिसन, बिजली के बल्ब के आविष्कार की प्रक्रिया में आप कितनी बार असफल हुए? लगभग 10,000 बार। 10,000 बार? लेकिन मैं उन्हें असफलता नहीं कहूंगा। अच्छा, मैं कहूंगा कि मैंने 10,000 उन तरीकों को खोजने में सफलता पाई जिनसे बिजली का बल्ब बनाया नहीं जा सकता था। अरे वाह। वे दरअसल 10,000 स्टेप्स थे जिन्हें तय करके मैं सफलता तक पहुंचा। क्या बात है। तो साथियों, ये था असफलताओं के प्रति थॉमस एडिसन का दृष्टिकोण। उन्होंने अपनी असफलताओं को भी बहुत सकारात्मक ढंग से देखा। अपने बहरेपन के बारे में एक बार उन्होंने विनोदपूर्ण ढंग से कहा था, मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूँ, इसके मुझे 2 लाभ मिलते हैं। पहली बात, लोग मेरे पास आकर व्यर्थ की बात नहीं करते, और दूसरी बात, इसके कारण मैं पुस्तकों और वैज्ञानिक सोच को अधिक समय दे पाता हूँ। एक दिन एडिसन ने पुरानी अलमारी को खोला और यूं ही कुछ देखने लगे कि तभी एक लिफाफा नीचे गिरा। एडिसन ने उसे उठाया। अरे, ये तो वही पत्र था जो उनके स्कूल के अध्यापक ने भेजा था। उन्होंने उसे पढ़ा। लिखा था, डियर मिसेस एडिसन, आपका बच्चा बेहद मंद बुद्धि का है और वो कुछ सीख नहीं सकता।
उसके स्कूल में होने से दूसरे बच्चों पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए अच्छा होगा उसके लिए कोई दूसरा स्कूल देख ले या उसे स्वयं ही पढ़ा ले। थॉमस एडिसन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये है किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास में एक माता की सकारात्मक भूमिका। उन्होंने हमेशा ये बोल बोल कर कि तुम जीनियस हो अपने बेटे का मनोबल बढ़ाया और यहां तक बढ़ाया कि थॉमस एडिसन इतिहास का स्वर्णिम हस्ताक्षर बन गए। जीवन के संघर्षों के प्रति उनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है, हम तब नहीं हारते जब हम गिर जाते या हार जाते हैं। दरअसल हम तब हारते हैं जब हम गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं। 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी संयुक्त राज्य अमेरिका में 84 वर्ष की आयु में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। विश्व उनके अमूल्य योगदान को सर्वदा याद रखेगा। शिक्षक जो गढ़े बचपन को। अभी आप सुन रहे थे शिक्षकों के लिए निर्मित ये विशेष कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन शानू मुक्सीम और मयंक कुमार, कलाकार शालिनी सिंह और वैभव श्रीवास्तव, आलेख अजीत होरो, विशेष परामर्श वंदना अरिमर्दन, निर्माण सहयोग कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।